जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? और नेपाल हमारी जिंदगी को तबाह कब तक करता रहेगा? एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश, ना कोई कम्युनिटी किचन खुली, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पास तेल नहीं होता है, कहता है कि तेल नहीं है नहीं जा पाए। एक नौ गांव से आदमी लाने के लिए लगभग 500-300 रुपया ले रहे हैं, गांव के गांव भूखे हैं, पानी के लिए तरस गए, छत पर लोग तूफान कटते जा रहा है, छत पर एक छत पर 100 आदमी 40 आदमी रिस्क्यू नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर अभी तक नहीं गए, 4 लोग सर्प के काटने से मर गए, कई गांव विलीन है, पता नहीं क्या हुआ पूरा। तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? कब हाई डैम बनेगा? और नेपाल हमारी जिंदगी को तबाह कब तक करता रहेगा? दूसरी बात, जो बांध टूटी जहां जहां, मुजफ्फरपुर सहरसा दरभंगा के बीच, और बांध भी वो टूटे जो कंप्लीट पश्चिमी तटबंध जो कंप्लीट पीच था, तो उस बांध को किसने, कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाया था, चीफ इंजीनियर कौन थे, किन किन लोगों में हिस्सेदारी और बटवेदारी हुई? जब एंटी रोजन का काम होता है तो सालों भर, तो हम ये जानना चाहेंगे सालों भर आप एंटी रोजन का काम करते हैं तो फिर फ्लड फाइटिंग स्पर टूट जाता है, फ्लड फाइटिंग में अरबों खरबों रुपया आप गमन कर देते हैं। फ्लड तो लूटने का एक माध्यम है और यह प्रकृति प्रकोप नहीं है, यह मानवीय प्रकोप है, मानव के द्वारा जो लूटा जा रहा है, नदियों के गाद नहीं निकाले जा रहे हैं, मात्र 40-30% काम होता है, 60-70% पैसे नेता पदाधिकारियों और ठेकेदारों के बड़े माफियाओं के घर चला जाता है। हम पूरी जांच की मांग करते हैं जहां जहां बांध टूट रहा है और नदियों की गाद जो नहीं निकाली गई, और हर साल अस्पट टूटता है, मंजर था सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर सरकार वही 40 सालों से जिनकी सरकार है, जिन्होंने कोसी सीमांचल मिथिलांचल का इस्तेमाल सरकार बनाने में सबसे ज्यादा किया, कब तक जाति हिंदू मुसलमान के नाम पर आप कोसी सीमांचल के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कीजिएगा? कब तक मेरे भीतर बाढ़ का डर होगा? कब तक हम खिचड़ी खाने पर मजबूर होंगे? कब तक हम भूखे रहेंगी मेरी माँ बाप? ना जानवर की फसल अति चारा, पूरा फसल खत्म हो गया, ना तो सांप काटने वाली, ना तो कोई राहत सामग्री, ना जनरेटर की व्यवस्था, बारे बाप। एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश, एक तो लंबा लंबा गप दे रहा है, वो कभी आज तक किसी घटना में किसी जगह जिंदगी में पानी में उतरा हो, बाप दादा ने इन लोगों का पानी देखा हो नदी के भीतर, वो भी कहता है कि हम सरकार एमएलए एमपी बनाएंगे, कभी दादा बाप ने पानी नहीं देखा, कभी आंसू नहीं पहुंचे बिहार की जनता की,